नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। कौशाम्बी के जिला अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम नहीं लग पा रहा। मौसम बदलने की वजह से बड़ी संख्या में बीमार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका इलाज करने वाले डॉक्टर समय पर नहीं मिलते थे, जिसके चलते मरीज आसपास स्थित निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर हो रहे थे। जिसके बाद आज सीएमएन की टीम जिला अस्पताल पहुंची और पड़ताल की तो अस्पताल से ज्यादातर डॉक्टर नदारद नजर आए, जिसकी जानकारी सीएमएन टीम ने जिलाधिकारी को दी, जिस पर डीएम ने सीडीओ को तत्काल जिला अस्पताल में छापेमारी करने का आदेश दिया। सीडीओ ने छापा मारा तो ओपीडी से 4 डॉक्टर गायब मिले, जबकि आधा दर्जन कर्मचारी लापता थे। सबका वेतन रोक दिया गया है। जिला अस्पताल के निरीक्षण किया गया है, कितने डॉक्टर और कितने कर्मचारी अनुपस्थित? 10:15 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए और 4 संविदा कर्मी। क्या कार्रवाई की जाएगी? इनका वेतन भी रोका जाएगा, स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा और आगे भी लगातार इस तरह का सरप्राइज वेरिफिकेशन करके देखा जाएगा। यदि उसमें कोई लगातार इस तरह से अनुपस्थित चल रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में ब्लॉक प्रधान और पंचायत सदस्य लामबंद हो गए और उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ धरना देकर अपना रोष जाहिर किया। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि पंचायत अधिकारी के पास किसी कार्य को लेकर जाते हैं तो वो पैसे की मांग करते हैं। तो उन्हीं गांव घर है करुआवल कला, क्या दिक्कत है आपके? हमके यह दिक्कत है कि हम जब आवास मांगी ला तब जब आवास लिखित न दिए, तब जब लिखबो करिए तब कहीं 1500 रुपया के मांगल संजय। संजय के हो? सिक्रेटरी। सिक्रेटरी पैसा मांगल? पैसा मांगल। पैसा दो तब आवास आपके लिए? आवास दे, नहीं तो नहीं दे। और कौनो परेशानी? और कौनो परेशानी है, सबके पैखाना चल चट्ठू, सबके घर चल चट्ठू, डबल डबल आवास पौले बाटे, डबल डबल घर पौले बाटे, हमारे नहीं कहाँ दिए। इनका ट्रांसफर इस कारण नहीं होता है चूँकि इस विकास खंड पे माननीय सलन निशा जी प्रमुख हैं और भीतपरा प्रधान जमीर अहमद की पत्नी हैं, मैं प्रधान संघ अध्यक्ष दिवाकर पांडे हूँ, मेरे वो मित्र हैं, तो ये इसका भी लाभ लिया करते हैं। अरे भाई, वो तो प्रमुख हटवा रहे हैं, प्रधान संघ अध्यक्ष हटवा रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक लोग जो हैं उसमें भी ये दखलंदाजी देते हैं, जो बहुत ही घिनौना काम है। मैं माननीय सांसद महोदय से भी कहा था कि माननीय इसमें हाथ मत डालिए, यहाँ की राजनीति अमर सिंह विधायक कर रहे हैं, राही जी तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो तो बहुत सीधे शरीफ हैं, लेकिन अमर सिंह के इस समय रिश्तेदार कह के भी अपना। पुलवामा अटैक के बाद भारत की तरफ से सीमा पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक से देश में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि पुलवामा में बीती 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और देश की जनता की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार ये सच करके दिखाया। आपको बता दें कि मंगलवार तड़के भारतीय वायु सैनिकों ने पाकिस्तान पर हमला कर 300 के करीब आतंकवादियों को ढेर कर दिया, साथ ही कई चौकियों को भी ध्वस्त किया। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई को लेकर आज मेरठ में लोगों ने खुशी का इजहार किया और मिठाइयां बांटी। हरियाणा सरकार की ओर से एनएचएम कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई किए जाने के बाद भी आंदोलनरत कर्मचारियों के तेवर ठंडे पड़ने का नाम नहीं ले रहे। झज्जर में बर्खास्त कर्मचारियों ने सामान्य अस्पताल परिसर में डेरा डाला हुआ है और वह हर रोज सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त एनएचएम कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान इन कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के पुतले की शव यात्रा निकाली और बाद में शहर भर में प्रदर्शन करते हुए पुतले को दहन किया गया। देश की स्टार कुश्ती खिलाड़ी रितु फोगाट ने कुश्ती छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट ज्वाइन करने का फैसला किया है। 24 वर्षीय रितु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच महावीर फोगाट की बेटी है। कुश्ती के लिए मशहूर फोगाट बहनों में रितु तीसरे नंबर पर है। साल 2017 में पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड अंडर 19 सीनियर चैंपियनशिप में रितु फोगाट ने देश के लिए रजत पदक जीता था। ऐसा माना जा रहा था कि रितु फोगाट देश की वह पहलवान है जो आने वाले समय में भारत को ओलंपिक में पदक दिलाएंगी। वहीं उनके कुश्ती छोड़ने के बाद भारतीय कुश्ती को तगड़ा झटका लगा है। रितु ने मिक्स मार्शल आर्ट में दमखम दिखाने के लिए सिंगापुर की इवॉल्व फाइट टीम ज्वाइन की है।
रितु उन खिलाड़ियों में से थी जिससे आगामी समय में देश को काफी उम्मीदें थी, लेकिन अचानक कुश्ती छोड़कर देश को जोरदार झटका दिया है। अब मिक्स मार्शल आर्ट्स में रितु सिंगापुर की इवॉल्व फाइट टीम से जुड़ी है, लेकिन भारत की युवा पहलवान और फोगाट बहनों में तीसरे नंबर पर रितु ने कुश्ती से संन्यास लेकर मिक्स मार्शल आर्ट MMA में हाथ आजमाने का फैसला किया है। रितु के पिता और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच महावीर फोगाट ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में हुई महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती कैंप से रितु ने चोट का हवाला देकर किनारा कर लिया था। प्रधान जी, जो इसने गेम चुना इसके अंदर इसकी लगन भी है और इसमें मेहनत भी कम है, तो कर इस पापा इसके अंदर जो है एक साल में जो है बहुत करके दिखा दी जो इस गेम में, तो मैंने पूरी आस उम्मीद है इसमें कुश्ती में इसके में गोल्ड मेडल जरूर लेके आई। जो इस गेम की जो गेम चुना है रितु ने इस गेम में मार्शल आर्ट गेम में वो जो है एक या दो साल के में जो है गोल्ड मेडल जीत कर आई। रितु ने बहुत बढ़िया काम कराया, इसने सब बढ़िया काम जोर का इनके श्री बनाएगा अंतर है जी। नया गेम लिया है इसमें भी इनके श्री बनाई। रितु के बारे में बताओ के किस तरह खेले, अगर तीव जो नया गेम उसने चुनिया है तो के बा कुश्ती का मैं गणाए गोल्ड मेडल लिया से उसने सिल्वर भी बहुत कुश्ती का मैं बहुत बढ़िया खेला करती। फिर विनेश और रितु एक वजन में से उसने थोड़ी बाहर जाया करती तो वह मायूस हो जाया करती। ई उस मेरी भी बात हुई रितु से, बोली मम्मी मैं यो गेम छोड़ूंगी और यो दूसरा गेम महाराष्ट्र यो गेम शुरू करूँगी। अच्छा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है जी इसका, मैं रितु आप भी कह रही सर मारी भी सब रितु गोल्ड मेडल लेके आओगी देश के खातिर और पूरी दुनिया में नाम करेगी। खबर गाजीपुर से है जहां गांव को आपस में जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीण खासा परेशान है। आपको बता दें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था, लेकिन इस सड़क की ओर से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब लोगों को सड़क पर आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत किसी से नहीं की, शिकायत करने के बावजूद भी सड़क की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन अब लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। यूपी के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसानों ने दिल्ली के कोटद्वार जा रही गढ़वाल एक्सप्रेस ट्रेन को रोक लिया। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समझाने पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया और जिसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि बिजनौर और चांदपुर शुगर मिल पर पिछले साल के गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसान लगातार तहसील और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी किसानों का बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। देखो जब जिले के अंदर जिला अधिकारी के बुलाने से भुगतान तो बहुत दूर की बात, शुगर मिल के अधिकारी भी ना आते हों तो फिर कोई और रास्ता किसान के पास बचता नहीं। 2 जनवरी से लगातार चांदपुर तहसील में आंदोलन चल रहा, हमारी लगातार प्रयास आज 58 दिन हो गए, लगातार हमारा प्रयास ये था कि कोई जनता को परेशानी ना हो, इस तरह का कोई कदम उठाया ना जाए। 14 तारीख को जो हुई थी मीटिंग हमारी, उसमें 25 तारीख तक का आश्वासन भुगतान का दिया गया था। कल कमिश्नर साहब ने भी टाइट करा था लेकिन कोई भुगतान की कोई उम्मीद कहीं नहीं जग रही। आज जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग के लिए बुलाया था लेकिन उस मीटिंग में शुगर मिलों के अधिकारी आए भी नहीं, तो जब शुगर मिलों के अधिकारी एक DM के बुलाने से शुगर मिलों के अधिकारी आ भी नहीं रहे तो पैसे की क्या उम्मीद है। शुगर मिलों के अधिकारी आमंगे, बात करेंगे, किसान के भुगतान पर जवाब देंगे, किसान का भुगतान होगा तो रेलवे ट्रैक खाली होगा, नहीं तो किसान यहाँ मरने के लिए बैठा। आज यही आंदोलन चल रहा और जनपद के अंदर 50 पॉइंट बनाए गए हैं, हर रेलवे स्टेशन पर किसान दिखाई देगा जनपद के अंदर अगर इसका समाधान नहीं होता। हम मांग क्या है? मांग तो गन्ने के भुगतान की है, मांग ही ना बुझ, केवल जो दे दिए दे रखा है नमाज उसे पैसे मांगने के लिए भाई। आज जो ट्रेन रोक रखी है कब तक कार्यक्रम? देखो राजवीर जी, पहली बात तो ये है कि क्या नाम, जब कोई शुगर मिल का अधिकारी DM के बुलाने से आ भी नहीं गया तो पहली बात तो ये वो शुगर मिलों के अधिकारी आम, उसके बाद अगली बात होगी, पहले शुगर मिलों के अधिकारी तो आम, या तो DM के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि शुगर मिल के बुला, शुगर मिल बुलावे पर आ भी नहीं थी, तो ये शर्मिंदगी की बात है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तब तक ट्रेन रोक रहे होगे? बिल्कुल रोक रखी, यही बैठे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।